हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेक साहब, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, इमरान हैदर साहब, गुजरांवाला शहर से बोल रहे हैं या कहीं और से? गुजरांवाला जी सिटी से, मतलब सिविल लाइन के लिए से जी बात कर रहे जी हैं। हुक्म फरमाएं, क्या मसला है? क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बड़ी मुश्किलों से ना पिछले हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा था, तो आज आपसे बात हुई है। हाँ जी, आज पहले दिन ही हुआ है मैंने अब, हाँ लेकिन जी, एक आज 1 बजे तक काल का पता है ना, 11 से 1 होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब। अच्छा, तो कोई मैं नहीं, ना मैंने जी, सोचा कि आज चूँकि काफ़ी दिनों के बाद लोग बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ऑन रखता हूँ। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर, मैं कोई 2005 से ना पेस्टिसाइड कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, कौन सी? तो पहले तो एनएच व्यान कंपनी थी, अब एचआर केमिकल में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जी, 2008 से ना। जी तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी इनका एक एमओयू साइन हुआ हुआ है जी न्यूट्रिशन के हवाले से। तो अच्छा माशाल्लाह। मैंने वो आपका ना वो ड्राई जो राइस का आपने वो एक लेक्चर था जो यूट्यूब पे आपने, मैंने वो डिटेल से सुना। तो हाँ जी वो मैंने ना डॉक्टर साहब को 5 एकड़ देना मुख्तलिफ जगहों पे, यानी 5 मुख्तलिफ जगहों पे, एक ही जिमीदार का नहीं है, एक एक एकड़ के ऊपर मैंने करवा दिया सारा ना। अच्छा जिस तरीके से आपने कहा छठे के जरिए हमने 4 बत्तर जमीन में छठा करवा दिया ठीक है, दिमाग वो से मैंने शुरू पूरी किया। टेक्नोलॉजी दी है ना उसको। ठीक जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सारा मैंने ना एज पर जो इंस्ट्रक्शन वो मैंने करवा दिया है। तो अब सिर्फ आपसे ये पूछना था कि उसके ऊपर वीड के लिए जो पेडीमेथिलीन आप बता रहे थे, वो अभी खुश जमीन पे इसका स्प्रे करवाना है? वीड्स के लिए जी, जड़ी बूटियों के लिए मैं कह रहा था कि उसके ऊपर आप जो है वो कौन सा स्प्रे कराएं। कौन सा? ये बहुत सारी हैं, बड़े मुस्तनद हैं। क्लोवर है, नॉमिनी है। जी बिल्कुल, नहीं मेरा कहने का मतलब ये कि आपने वो पैंडी का जिक्र उसमें किया है, तो पैंडी मैथिलीन को अभी हम करवा दें, यानी छठे के फौरन बाद इसका स्प्रे करवा दें, हो नहीं, ये सकता है? वैसे तो 18 से 22 दिन के बाद ना, जी जो तार वत्तर है ना, जी जी ये उसमें किया जाता है। अच्छा, यानी 18 से 20 दिन के बाद उसका, हम जब वो शगुफे निकले जमीन से, पौधा निकला है, फिर असल करवाएं। में ये होता है कि 7 से 15 दिन के अंदर ना तमाम किस्म की जड़ी बूटियां हैं उनको, वैसे तो देख लें, तल्फ करना ज़रूरी है, और बाज़ औक़ात जहर का एक ही स्प्रे काफ़ी होता है, लेकिन अगर जड़ी बूटियां दोबारा निकल आएँ तो 40 दिन के अंदर ये दोबारा स्प्रे करने से तलफ हो दोबारा जाती स्प्रे कर दिया जाए, बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बस समझ गए। मैं यही आपसे डॉक्टर साहब कंसल्ट करना था, अब आपने दुआ भी फरमानी है और कि अल्लाह तला वो जो हमने किया है वो अच्छा हो जाए, तो इस एरिया में बहुत सारे लोग जो कद्दू वाला तरीका है उससे उनकी जान छूट जाएगी, मुश्किल ही है। बस वो देख लें, ये साइंसदानों की काफ़ी काविश है, और मैं समझता हूँ कि हाँ जी, हाँ अच्छा है ये तरीका, अच्छा है। जी छठे वाला तरीका अच्छा है। तो हाँ पर मैंने मतलब आपका वो लेक्चर सुन के, तो मैंने उससे मैं पूछ लूँ, और मैंने कहा कि चलें ये करवाते हैं, इस पे देखते हैं बस क्या इसमें होता है। यही होता है कि जो स्प्रे है ना खड़े, वो पानी जब खड़ा पानी हो ना उसमें नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि तार अच्छा, वत्तर की बिल्कुल हालत में ना वो तो ज़्यादा बेहतर है, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि सही है, जहर के बिल्कुल सही है, कतरे वो जड़ी बूटियों के पत्तों पर गिरने ज़रूरी होते हैं ना, और बिल्कुल जरूरी इसके होते लिए हैं। बस यही एक आधी टिप्स हैं, और ख़ास तौर पे टी जेट नोज़ल वो इस्तेमाल करनी चाहिए, नोजल इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल सही बोल ये रहे हैं, ज़रूरी है, प्लीज़ ये ये जरूरी है, वीड कंट्रोल के लिए टी जेट नोज़ल जो है ना बहुत जरूरी है, वो ज़रूरी है। ठीक है बिल्कुल सही है। तो दूसरा ये है कि मैं आपकी वो जो ईमेल है उस जी, पे फिर आपको मैं अपडेट करता रहूंगा इस सिलसिले में ना, आपने हाँ याद रखना जो भी हमें इसकी फाइंडिंग होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा जिस वो तरीके से असल किया था। में मैं बहुत कम ईमेल वैसे चेक करता हूँ, ये आप अच्छा, फेसबुक पे ही बेशक उस पे टाइमलाइन पे लिख दिया करें, वो मैं देखता फेसबुक, रहता हूँ, अच्छा, और जी, आप डॉक्टर साहब आजकल आपको तो शेयर कर प्रोग्राम दूंगा। सारे मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो सारे मैंने ना वो डाउनलोड भी कर रहा हूँ, हाँ और उनको मैं जनाब बड़े दिलचस्पी से सुनता हूँ, जो आपका आवाज़ है बिल्कुल कितना मजे का, वो लेक्चर कम और ना एक बच्चों की कहानी लगती है, जैसे बच्चे बैठे हो आप उनको कहानी सुनाते हैं, बड़ा मजा आता है। ये असल में मेरा ये वो क्या कहेंगे, एप्टीट्यूड भी है बच्चों की तरह लोगों को समझाना,
और ख़ास तौर पे ना वो मेरे स्टूडेंट्स भी बड़ा इंजॉय करते हैं, हालांकि पीएचडी भी कर रहे हैं मुझसे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ आप क्लास में जब पीएचडी को लेक्चर दे रहे होते हैं तो आप वो डॉक्टर नहीं होते जो आप को हम टीवी पे देखते हैं या आपको ये प्रोग्राम्स। मैंने कहा बाबा हर लिहाज से हर सतह के वो उस पे बात करनी चाहिए ना, ये तो नहीं ना मैं फर्ज करें किसानों से वो है ही अनपढ़ तो उनको समझाना शुरू कर दूं और मोटे मोटे अल्फाज बोलूं, वो कहेंगे यार ये कैसा डॉक्टर है, तो बड़ा मजा आया आपसे गपशप करके। बस दुआओं में चलो याद रखें। आपका इसम शरीफ क्या है, नाम क्या बताया आपने? इमरान इमरान हैदर, हैदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें जी आप तो चलो छाए हुए हैं, इमरान खान तो छाया हुआ है पूरे मुल्क में। चलें दुआओं में याद रखें। चलें और अगर आपने मुझे थोड़ा सा अगर ये भी बताते रहें कि कौन कौन से केमिकल्स आप खास तौर पे आपकी कंपनी वो जो बेच रही है उनके रिजल्ट्स कैसे हैं? हाँ जी, वो मैं डॉक्टर साहब कुछ नई चीज़ें हैं, वो हमारे डॉक्टर यासीन हैं, सॉइल साइंस में उन्होंने पीएचडी की है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अच्छा तो उन्होंने ना दो तीन प्रोडक्ट जो है ना सॉइल मैजिक के नाम से, जिसमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हम कुछ जमीन में ना सोइंग से पहले इस्तेमाल करवाते हैं, अच्छा तो उसकी मैंने कुछ वीडियोज भी बनाई हैं, वो बड़ी एक अच्छी इनोवेशन है उनकी तरफ से। और हाँ साथ में उनका एक प्लांट प्रोटेक्टर है जी, एंटी ऑक्सीडेंट है वो अच्छा वेरी हम गुड। करवाते हैं। अच्छा तो ये जो फोलियर स्प्रे आपके फर्टिगेशन के लिए ये भी कोई है आपके, अगर कोई हाँ जी बिल्कुल, किसी ने हाँ फर्ज करें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश वो अगर इस्तेमाल नहीं की सोइंग के वक्त तो बाद में जो करते हैं फोलियर स्प्रे वो उस तरह की भी क्या आपके हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो एक NPK 2020 के नाम से ना हम एन पी के बेल्जियम ट्वेंटी से ट्वेंटी इम्पोर्ट अच्छा करते हैं। अच्छा हाँ वो बेल्जियम से हम मंगवाते हैं, उसके अच्छा बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ इटली के हैं, वो जरा उनकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी जरा ज्यादा अच्छी है, वो चिलेटेड तो है, चिलेटेड है ना सारे? हाँ चिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ चिलेटेड है जो। यार कई एक तो मुझे कॉटन पे क्वेश्चन एक आध बंदे ने बेचारे ने पूछा, मैंने सोचा था कि उनके लिए एक प्रोग्राम करता हूँ तो मैं अच्छा फिर नहीं कर सका कुछ तो मसरूफियात की वजह से, तो अब मैं अच्छा उनके लिए करने लगा हूँ, तो मैं अगर आप लोगों का भी देख लेता हूँ कि कैसे रिजल्ट्स हैं वो अगर मुझे बेटर मिल होगा, जाएं आप तो अपना ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी टाइमलाइन पे मैं आपको बिल्कुल शेयर करता हूँ, बल्कि कोशिश करेंगे हमारा को लाहौर में कुछ सेमिनार हो, यूनिवर्सिटी के लोग आए तो मैं आपसे टाइम ले सकूँ कि आप भी तशरीफ लाएं उसमें एज ए गेस्ट हमारे, ठीक है तो जरा कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही वो इंशाल्लाह आपसे रहेगा रहा। है बाकी इंशाल्लाह। मेरी मेरे पास जो रिजल्ट हैं मेरी फील्ड के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करूंगा जी टाइम पे। चलें ठीक है, चलें आज तो फिर राइस डायरेक्ट राइस की जड़ी बूटियां के कंट्रोल के बारे में। हाँ जी चलें बिल्कुल, आज आज तक जरूरी है। ठीक है, ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थैंक यू दुआओं में डॉक्टर याद रखें, अल्लाह हाफिज़। साहब। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक से कर रहा हूँ जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। ये मैं सही बुखारी से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबज़ादा को इजाज़त दें, फ़ीमान अल्लाह।